थिएटर्स में बेहुदा लबास, डांस और फुहश गोई पर एक्शन शुरू। मॉनिटरिंग टीम ने 32 फनकारों को शोकाज नोटिसेस जारी कर दिए। नोटिसेस सहर सदीकी, नेदा चौधरी, जिया भट्ट, रीना रानी और खुशबू को भेजे गए। आंसू साइमा खान, जिया अली, महक नूर और माथू भी शामिल। मॉनिटरिंग टीम की फनकारों पर पाबंदी लगाने की सदा। फीमेल के अलावा मेल अदाकार भी शिकंजे में आ गए। मर्द फनकारों में आबिद चार्ली, साजन अब्बास, साकी खान शामिल। अली नाथ, नदीम चिट्टा और अयास को भी जुमाइनी गुफ्तगू पर नोटिसेस जारी। डीसी लाहौर सोहलिया सईद ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को थिएटर्स की निगरानी के अहकाम जारी किए थे। सकाफती वर्षे की बहाली के लिए बड़ा इकदाम, फ्रांस शाही किले की खूबसूरती और बहाली के लिए 6 अरब रुपए कर्ज देगा। समर पैलेस में स्टेट ऑफ द आर्ट अजायब घर तामीर किया जाएगा। अली पार्क को भी शाही किला में शामिल करने का मंसूबा। हवेली दीनानाथ, हवेली बजनाथ को खरीद कर बॉल सिटी अथॉरिटी के सपोर्ट करने का फैसला। लाहौर में शाम को पहली बार बड़ी अदालत लगेगी। चीफ जस्टिस आकिब निसार सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कल शाम 5 बजे अहम केसेस की समाप्त करेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। कोर्ट रूम नंबर 1 में समाप्त होगी। महंगी एलपीजी के खिलाफ रिक्शा यूनियन का कलमा चौक पर एहतजाज। फिरोजपुर रोड ब्लॉक किए रखा। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। एसीसीटी के साथ मुजाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। चेयरमैन रिक्शा यूनियन मजीद गौरी बोले, एसीसीटी ने एलपीजी की कीमत में 115 रुपए करने का यकीन दिलाया। मुतालबात ना माने गए तो दोबारा धरना देंगे। महकमों को 100 रोजा कारकर्दगी की 15 दिसंबर तक रिपोर्ट तैयार करने की डेडलाइन। तमाम महकमे कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट दें। वजीर आला पंजाब की हदायत, तमाम महकमे मंसूबों और पॉलिसी से मुतालिक रिपोर्ट देंगे। मजारों के पैसे मजारों पर लगाए जाएं। तामीर और मरम्मत के लिए 500 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दी जाए। तनख्वाह और पेंशन के 1380 मिलियन पंजाब हुकूमत को अदा करें। महकमा औकाफ ने तजावीज हुकूमत पंजाब को भिजवा दी। कब्जा माफिया डॉन मंशा बम के खिलाफ तहकीकात में तेजी। जोहर टाउन में 5 प्लाटों पर मंशा बम के कब्जों का इंकशाफ। एलडीए ने बेवा कोटा के प्लाट अलॉट किए थे। मंशा बम के सियासी असरो रसूख के बायस 11 साल में कार्रवाई न हो सकी। 56 कंपनीज को अरबों रुपए के गैर कानूनी फंड्स का इजरा। नई हुकूमत में भी फंड्स का प्री ऑडिट शुरू न हो सका। कंपनीज को फंड जारी करने का सिलसिला जारी। अकाउंटेंट जनरल का तहफुजात का इजहार। शहबाज शरीफ का जेल में भी मौज मेला लगा हुआ है। कैसर अमीन बट के इंकशाफात ख्वाजा बरादरान के लिए शर्मनाक हैं। लोहे के चोने वाली सरकार ने परवेज मुशरफ के दौर में ही पैरागॉन सोसाइटी की बुनियाद रखी। मुशरफ दौर में जब शरीफ बरादरान पेशियां भुगत रहे थे, साद रफीक डील करके मौजे लूट रहे थे। फयाजुल हसन चौहान के ओपोजिशन पर वार, कहा लीगी अराकीन अदालत के बाहर फतह का निशान ऐसे बनाते हैं जैसे दिल्ली फतह करना। साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर तनकीद। बोले, कसकोल तोड़ने की बात करने वाले दुनिया भर कसकोल लिए फिर रहे हैं। कैसर अमीन बट को हमारे खिलाफ बयान देने पर मजबूर किया गया। महंगाई के सताए लोग शॉप दबासों को 13 दिसंबर को मुस्तरद करेंगे। 13 दिसंबर को एक बार फिर शेर धाड़ेगा। कंटोनमेंट के इलाकों में पॉलीथिन बैग की तैयारी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने पॉलीथिन बैग की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी कानूनी करार दे दी। पंजाब हुकूमत का पॉलीथिन बैग्स के इस्तेमाल से मुतालिक कानून में तरमीम का फैसला ड्राफ्ट तैयार। शॉपिंग बैग की मोटाई 15 माइक्रोवन से बढ़ाकर 40 माइक्रोन करने की तजवीज़। महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात ने ड्राफ्ट कानूनी राय के लिए वजारत कानून को भेज दी। लाहौर में सरगोधा यूनिवर्सिटी के गैर कानूनी कैंपस का केस। साबिक वाइस चांसलर मोहम्मद अकरम समेत 6 मुलजिमान एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान को 13 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 20 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म।
پختہ اور عارضی تجاوزات ختم نہ ہونے پر ڈیپٹی کمشنر صالح سعید افسران پر برہم کلین اینڈ گرین مہم کے حوالے سے ہنگامی اجلاس اسسٹنٹ کمشنرز کی جانب سے ملٹی میڈیا پر بریفنگ دینے پر ڈی سی برہم تمام افسران کو کچھ پتہ نہیں ڈیپٹی کمشنر کا رات کے اوقات میں سڑکوں کے دورے کا اعلان 15,000 سے کم ماہانہ تنخواہ پر مالکان کا چالان ہوگا مرد اور خواتین ملازمین کو یکساں تنخواہ ملے گی کارخانوں میں ہیلتھ سیکیورٹی کا نیا پلان نافذ مزدوروں کے لیے رہائشی فلیٹس مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا حکومت نے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کر دیا اموات اور شادی کی صورت میں گرانٹ کا بھی اجرا دو سال کا کام 90 دن میں کر دیا پالیسی پر ہر صورت عمل ہوگا صوبہ وزیر انسانی وسائل انصر مجید نیازی امن و امان کی صورتحال اب بہتر ہو چکی کوئی بھی بغیر وجہ کے احتجاج یا بدامنی نہیں پھیلا سکتا شر پھیلانے والوں سے سختی سے نپٹیں گے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فضیل اصغر کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ میڈیا سے گفتگو کسی بھی شر پسند کو شہر کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے احتجاجی عناصر کو روکنے پر پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا 20 افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمے درج کیے گئے جبکہ 400 لوگوں پر توڑ پھوڑ کے پرچے کاٹے گئے آئی جی پنجاب دھرنوں کے دوران زخمی ہونے والے 10 اہلکاروں میں 86 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم سابق وزیراعظم نواز شریف کی جاتی عمرہ آمد ایم پی اے مرزا جاوید اور دیگر کارکنوں کی جانب سے استقبال کیا گیا پارٹی قائد کی گاڑی پر پھول نچھاور کیے نجی سکولوں کی رجسٹریشن کا معاملہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے سکولوں کی رجسٹریشن کی مہم روک دی شہر کے 6,000 سے زائد نجی سکولز کی رجسٹریشن کا عمل التوا کا شکار زرعی ٹیکس دو ذمہ داری کا مظاہرہ کرو ایف بی آر نے 600 افراد کو نوٹسز جاری کر دیے 80,000 سے زائد سالانہ زرعی آمدن والوں کو نوٹسز جاری ادائیگی کے لیے 15 روز کی مہلت قذافی اسٹیڈیم میں رضاکاروں کے عالمی دن پر تقریب اراکین اسمبلی اور طلبہ کی بھرپور شرکت ایم پی اے سعدیہ سہیل رانا کا کہنا ہے دنیا میں ہر بڑا مشن والنٹیئر ورک کے ذریعے ہوا اور جیلانی پارک میں گلے داؤدی کی نمائش کا آخری روز رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر شہریوں کی بڑی تعداد دلکش اور حسین نظارے دیکھنے امڈ آئی